दिवाली से पहले सोने की रौनक में कुछ कमी आई है। आमतौर पर दिवाली धनतेरस से पहले घरेलू बाजारों में सोने चांदी की मांग बढ़ जाती है और मांग बढ़ने से दाम भी बढ़ते हैं, लेकिन मजबूत डॉलर ने इस बार खेल बिगाड़ दिया है। दरअसल आज यूएस फेड की बैठक है जिसमें टेपरिंग को लेकर फैसला किया जाना है। इस बड़े इवेंट से पहले सोना थोड़ा नर्वस है। घरेलू बाजार में सोने में सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स में करीब सोना 47,500 के स्तरों पर नजर आया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना $1,780 के स्तरों पर कारोबार करता नजर आया है। डॉलर में मजबूती के चलते ये दबाव देखने को मिल रहा है। महंगाई में उम्मीद से ज्यादा उछाल से डॉलर मजबूत बना हुआ है। निवेशकों की नजर यूएस फेड की बैठक पर है। यूएस फेड टेपरिंग को लेकर आज कुछ फैसला लेगा। बता दें कि 2020 में धनतेरस की बिक्री 25 साल से सबसे कम थी। डिजिटल गोल्ड की बिक्री पिछले साल से दोगुनी हुई है। सोने की चाल पर नजर डालें तो साल 2020 में 10 ग्राम सोने का भाव 56,000 रुपए था, जो अब 47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 15% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं धनतेरस के दिन सोने के भाव पर नजर डालें तो 2021 में 10 ग्राम सोने का भाव धनतेरस के दिन 47,800 रुपए रहा। वहीं 2020 में 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम था, 2019 में 38,500 और 2018 में 31,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा था। वहीं WGC यानी कि वर्ल्ड ग्लोबल काउंसिल ने सोने पर आउटलुक जारी करते हुए कहा है कि सोने की मांग में साल दर साल 47% उछाल देखने को मिल रहा है। भारत की सोने की मांग 47% बढ़कर 139 टन है। वहीं Q3 यानी कि तीसरी तिमाही में सोने की मांग 47% बढ़कर 59,330 करोड़ रुपए पर रही है। ज्वेलरी की मांग 58% बढ़कर 96.2 टन रही है। वहीं 2020 की जुलाई सितंबर तिमाही में 60.8 टन मांग थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।